Assalamu alaikum beautiful peoples, here is another vlog, and in this vlog we are going somewhere with my यार इसका रोला बहुत ज्यादा है, हमारे डॉन साहब हैं, इसका कैंट कभी बंद ही नहीं हो सकता. सो इन दिस व्लॉग वी आर गोइंग समवेयर, पर गर्मी बहुत ज्यादा है. इस टाइम मैं शीशे पे हाथ भी रख रहा हूँ तो मुझे लग समझ रही है, लेकिन बाइट जाके पता चलेगा कि क्या हालत होती है. जी तो हम लोग निकल चुके हैं, ये हमारे साथ कावर, क्लार्क और सनी भाई, और ये मेरे आगे डॉन बैठा हुआ. और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भला? गड़ी शो जा रहे हैं जी, हम गड़ी शो रोड चेक करें कितना मजा. पता नहीं इस साल क्या हो गया, गर्मी बहुत ज्यादा है, शायद ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी ज्यादा हो रही है. क्योंकि सामने तो हमारे दरख्त काफी ज्यादा है, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ से प्रॉपर ऑक्सीजन निकलती है, उन इलाकों में दरख्त काट काट के वहाँ पे सोसाइटीज बनाई जा रही हैं. पता नहीं क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, जिसकी वजह से काफी जो है ना एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है. इस वक्त हम लैंड पे मौजूद है, गर्मी बहुत ज्यादा जिसकी वजह से मोबाइल ज्यादा निकलना नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा गर्मी. पावर कितनी गर्मी है, गर्मी कैसी है ठीक हो गया. सो दिस इज जस्ट द इवनिंग ऑफ आई थिंक टुडे इज 11th ऑफ जून. अच्छा मैं आपको बता रहा था कि हम गए थे अपने दोस्त की तरफ दोपहर को, लेकिन मैं वहां जाकर व्लॉग शूट इसलिए नहीं कर सका क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी. और लाहौर की गर्मी तो ऐसे जैसे सूरज ने डायरेक्ट फोकस ही लाहौर पे किया हुआ, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, बहुत ज्यादा गर्मी थी. लेकिन मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए जो मैं अभी आपको दिखाने लगा. हमने पहले जुमा पढ़ा, फिर उसके बाद हम गए अब दोस्त से मिलने. उसके बाद एक्चुअली मैं आपको सच बताता हूँ, दोस्त से मिलने हमने इसलिए जाना था क्योंकि उसकी जो है वालदा की डेथ हो गई थी, तो हमने अफसोस के लिए जाना था. तो आपसे भी गुजारिश है कि उनकी वालदा के लिए सूरह फातिहा एक दफ़ा पढ़ दीजिएगा. तो हम वहाँ से निकले तो हमें यानी कि बहुत शदीद किस्म की गर्मी लगी, तो हम बस ऑफिस आने की थी, काम हमने किया नहीं था कोई भी, तो हमने आके दस्ती काम खत्म किया. और उसके बाद अब थोड़ा सा फ्री होकर रिलैक्स होकर खड़े हुए हैं कि यार बस बहुत हो गई, बहुत काम कर लिया. अभी मैं न्यूज़ वगैरह देख रहा था तो यार मैंने देखा कि दोस्त आपा की एक बहुत अच्छी वीडियो लीक हुई है दोबारा, वो एक्सप्रेस न्यूज़ वालों ने लीक किया. लाइक वो किसी को करनी तो नहीं चाहिए थी लीक, लेकिन उन लोगों ने कर दी. सो आई डोंट नो किसी की पॉलिसी इस तरह की है कि हम प्राइवेट वीडियोस भी लीक करें. लाइक वो वीडियो ऐसी नहीं थी, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि वाकया कुछ यूँ है कि पहले फिर दोस्त आपा की हुई लीक एसी के साथ बातचीत करते हुए. वो बातचीत इतनी तल्ख थी कि उनके ऊपर तनकीद का पहाड़ टूट गया. तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूं, आप लेती हैं कि यहां देखे क्या गलत हो रहा है. तो मैडम उसको आराम से बात की जा सकती है, आप तो राशन सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है, बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी, बर्फियों के लिए राशन नहीं है, आपको पैदा जान अजीज है. उसके बाद फिर दोस्त आशिका खान साहिबा की वीडियो लीक हुई, जिसमें ये जो ट्रेन हादसा हुआ था सिंध में, जो ट्रेन हादसा हुआ था 65 लोग उसमें जाँ बहक हुए हैं, उस पर उन्होंने कहा था कि अल्लाह के फजलो करम से ये साल का पहला ट्रेन हादसा है, जिसकी वजह से उनको तनकीद का निशाना बनाया गया. अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है, कौम को वो दिन याद है जब हर दूसरे दिन यही रेल ट्रैक जो है किसी ना किसी हादसे का शिकार होता था. अब उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुई जो जवेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, कादिर मंदोखेल उनके साथ उन्होंने बहुत बदतमीजी की, उनको लाइव प्रोग्राम में गाली भी दी और थप्पड़ भी मारा उनको सबके सामने. लाइव प्रोग्राम में चल रहा था तो सबने देखा होगा. उसके बाद वीडियो वायरल हुई तो जाहिर सी बात है कि पूरे पाकिस्तान ने यानी कि दुनिया में जो जो बैठा है सबने देखा होगा. कोई किसी को ऐसे थप्पड़ क्यों मारेगा? पर दोस्त आशिक अवान साहिबा की फिर वीडियो आई जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि कादिर मंदोखेल साहिब ने उनके साथ जब हम ब्रेक पे जाते हैं उस टाइम बदतमीजी की, उन पर करप्शन के झूठे इल्जाम भी लगाए और उसके अलावा उन्होंने उनको हरासा भी किया. फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा के मुताबिक कादिर मंदोखेल ने उनको हरासा भी किया. जवेद चौधरी के एक्सप्रेस टीवी पे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के MNA कादिर मंदोखेल ने मुसलसल मेरे खिलाफ फोर्स जबान इस्तेमाल की. वक्फे के दौरान मुझे और मेरे वालिद साहब को नंगी और गलीज गालियाँ दी
और जिस तरह से मेरे मरहूम वालिद के हवाले से इसने नाजेबा कलामात अदा किए और मुझे ना सिर्फ अब्यूज़ किया, थ्रेटन किया और हरास किया और धमकियाँ दी और मंदोखेल की इस बद कलामी और बदजबानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा क्योंकि मेरी सियासी साख और इज्जत दाव पे लगी और जो वीडियो लीक की गई ये सिलेक्टिव वीडियो लीक हुई और मैं चाहूँगी कि ये मुकम्मल वीडियो लीक हो। सो उसके बाद ये मामला मेरा ख़त्म हुआ। जो है चौधरी साहब उनको बस मना करते रहे और उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, उनका स्टाफ वगैरह कुछ बीच में आकर रोकता रहा, लेकिन ऑल इन वेन कुछ भी नहीं हो सका। कादिर मंदोखेल ने उनको हरासा किया और डिफेम किया, उसके नतीजे में फिर दोस्त साहिबा ने उनको 1 अरब रुपए की हट जाने का बिल पेश किया। तो बस आप लोग कमेंट्स में बताएं कि यार ये कैसा बिहेवियर है। लाइक पाकिस्तानी माशरे में वैसे ही इखलाकियात किसी की दुरुस्त नहीं है, कोई जाता हुआ बंदा नीचे से टकरा जाए एक दूसरे से, वो एक दूसरे लड़ पड़ते हैं। लाइक ये हमारा मामला था जो हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए जिसपे। तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि फिरदौस आशिकवान साहिबा के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं। हमारे साथ उस्मान साहिब मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे। ये बहुत बड़े तज्जिया निगार हैं माशाल्लाह से, वीडियो एडिटर हैं, डिज़ाइनर हैं, बहुत बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, इनका नाम बचता है मार्केट में। तो उस्मान साहब आप मुझे बताएं कि फिरदौस आशिकवान साहिबा ने ये जो केस किया है कादिर मंदोखेल पर, ये क्या सही था और उन्होंने क्यों किया, यानी कि बदतमीजी तो उन्होंने की है पर भी उन्होंने मारा, गलत किया उन्होंने जो भी किया। फिरदौस आशिकवान साहिबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हालांकि वीडियो में साफ देखा जा सकता है बदतमीजी भी उन्होंने की है, पहले हाथ चला के भी शुरू की, उन्हें गालियाँ भी दी हैं, फिर उसके बाद उन्हें चपेट भी मारी है, सारा कुछ वीडियो में मौजूद है, फिर भी उसके अलावा उन्होंने पे पर्चा दे दिया। ये इंतहाई गलत चीज़ है, जब अपनी नाकामियाँ उनसे छुपाई नहीं गई तो उन्होंने ये कदम उठा लिया। तो आप मुझे बताएं, आज जब हम जा रहे थे बाहर तो आपके क्या तासुरात थे जब हम गर्मी में निकले? 43 डिग्री ग्रेड की गर्मी थी और हम एक इंतहाई अहम मिशन पे जा रहे थे जिसकी वजह से हमें रस्ते से वापस, वो मैंने बताया इनको कि हम फ्यूनरल पे गए थे, जनाजे पे गए थे, गर्मी इतनी थी कि हमें फिर रस्ते से वापस आना पड़ा, हमने पूरा अपना गेट ही नहीं मतलब वहाँ तक जुम्मे की नमाज पढ़ी और हम वापस आ गए। मैं हूँ इखलाक अहमद और आप देख रहे थे अमार व्लॉग्स। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।